नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। माय डियर, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर UPPSC AE की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में कुछ बताइए, आप डिटेल में उसकी एनालिसिस बताइए पूरी। ठीक है माय डियर, तो मैं आपको UPPSC 2020 में जो आपका नोटिफिकेशन 19 का आया, 20 में एग्ज़ाम आपकी डेट आ गई है, 7 जून को आपका एग्ज़ाम है, 7 जून 2020 में आपका एग्ज़ाम है माय डियर। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कौन सी बुक आपको प्रेफरेंस, बुक के बारे में बताएंगे, कौन सी बुक से आप पढ़ें, स्ट्रेटजी बताएंगे आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है अपने कंपटीशन तैयारी के लिए। माय डियर, मुझे काफ़ी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल G2S एकेडमी में जाके देख सकते हैं, पिछली बार काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं मेरे ही वीडियो से, इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिली बच्चों को, इंटरव्यू गाइडेंस वीडियो मैंने आपको डाला था और काफ़ी बच्चों के कमेंट भी पड़े हुए हैं, आपको उसमें जाके आप देख सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उसमें आपको नए वीडियो और मिल जाएंगे। अभी JEE का भी आपको माय डियर रिजल्ट आया है, उसमें भी इंटरव्यू की काफ़ी गाइडेंस बच्चों को मिली है, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और वो फाइनेंशियल हेल्प भी कोचिंग के लिए कर रहे हैं। आज माय डियर हम बात करेंगे UPPSC AE की। ठीक माय डियर, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये बच्चों को बात नहीं पता होती, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको डिसाइड किए गए हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर माय डियर आप लोगों की जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी सीटें हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बच्चा नहीं क्वालिफाई करता है तो उसको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, अगर सीटें खाली भी रह जाती हैं। जैसे माय डियर SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है, टोटल मार्क्स का 35%, और ये श्योर नहीं है कि जो 35% स्कोर करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मिनिमम इट मींस, इसका मतलब ये है कि अगर इस कैटेगरी में और ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में आपका ये मार्क्स जो है वो 40% है। माय डियर लास्ट ईयर ये 30% और 40% था, SC ST का 30% और जनरल OBC का 40%, इस बार इन्होंने 35% और 40% दिया। इन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया नोटिफिकेशन में कि ये सेक्शनल कट ऑफ है या इंडिविजुअल कट ऑफ है। लास्ट ईयर माय डियर, लास्ट ईयर जो 2013 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इन्होंने हिंदी एंड जीएस के लिए सेक्शनल कट ऑफ दिया था, इस बार इन्होंने एडवर्टीजमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको सेक्शनल पेपर के हिसाब से आपको सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम आपको 35% क्वालिफाई करना है और मिनिमम आपको 40%, और ऐसा नहीं कि जो 40% क्वालिफाई लाया है मार्क्स वो मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक, आपके नोटिस में ये भी बताया गया है जो क्वालिफाई करेगा मेरिट लिस्ट में उसको 2 times इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक, तो पेपर पैटर्न सबको पता ही है, 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 देखिए माय डियर, कई बच्चों ने कमेंट किया था कि क्या सेम डे पेपर होगा, यस माय डियर पेपर आपका सेम डे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरे दिन आपके, क्योंकि इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है, एक दिन में लेंगे 2 दिन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, 2 मीटिंग्स में, बीच में आपको 2 या 3 घंटे का गैप देंगे, क्योंकि ये अपने सेंटर का चार्जेस नहीं बढ़ाएंगे, 2 दिन का पेमेंट इनको करना पड़ेगा। ठीक, और UPPSC अपना पैसा बचाने की सोचेगा। पेपर 1 जो है माय डियर, इसमें आपको पता है कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपकी सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी कैसे पढ़ना है ये सब, ये भी हम आपको बताएंगे डिटेल से, आप वीडियोस जुड़े ये लास्ट तक देखिए, हम बुक्स भी बताएंगे, और दूसरा आपका इसके जैसे आपको पता है 25 questions होंगे 75 marks के, ऐसे ही आपका जो टेक्निकल होगा, आपका सिविल है तो सिविल की बात होगी, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की बात, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इसमें आपके 100 questions होंगे माय डियर, और जो कि आपके 300 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 375 पेपर 1। और माय डियर ध्यान दीजिएगा, आपको सब्जेक्ट में इन्होंने पेपर वन में सब्जेक्ट में आपको अलग से बताया कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 में इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो सब्जेक्ट भी मैं बताऊंगा, और पेपर 2 जो है आपका माय डियर, पेपर 2 सब्जेक्ट्स आप ध्यान से देखिएगा, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा। अभी मैं हिंदी की भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, GS की पेपर 2 में जो पहला पेपर है वो आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का है। इसके भी माय डियर
पिछले पहले जो पेपर होता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे और 100 मार्क्स का था, इस बार इन्होंने क्या किया है 25 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता था, इन्होंने इस बार आइडिया आपका क्या किया है 25 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तीन नंबर का है। दूसरा आपका ये क्या है आइडिया, जो भी आपका टेक्निकल होगा ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका कन्वेंशनल भी होता था, पहले तीन दिन पेपर होता था और अब जो है आपका एक दिन में पेपर होगा 100 क्वेश्चन यहाँ पे, ये कितने मार्क्स के 300 मार्क्स के। तो टोटल आपका इन दोनों को जोड़ने पे, पेपर वन और पेपर टू को जोड़ने पे आपके जो मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए आपके और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा 375 प्लस 375 प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू, तो इसमें आपका टोटल जो मेरिट बनेगी माय डियर वो आपकी 850 में से बनेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बार कट ऑफ जाना चाहिए 60 टू 70% के बीच में इंटरव्यू की कॉल आएगी, 60 टू 70% से ऊपर के लिए इंटरव्यू कॉल आएगी, तो आप माय डियर सी के हिसाब से तैयारी करिए, कोई भी चीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस किया या नेगेटिव किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता होगा शायद 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका तीन नंबर का है, तो अगर आप गलत करते हैं तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पेपर वन और पेपर टू और सेम डे होने के चांसेस अधिक हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए कि आपको वहाँ बीच में टाइम की नीड की जरूरत कम ही पड़े। ठीक है, अब हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे माय डियर, हिंदी आपको पढ़नी कैसे है ध्यान दीजिएगा। हिंदी के लिए सबसे पहले माय डियर आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, अगर आपको UPPSC AE के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं 2011 एंड 2013, तो इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे पेपर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर और आप और देखना चाहते हैं UPPSC के जो और भी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हिंदी के लिए, आप क्या करिएगा ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक आती है हिंदी, सामान्य हिंदी, वो परचेस कर लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और आपकी जो हिंदी पूछी जाएगी वो माइडियर उसमें नोटिफिकेशन में बोला है 10th लेवल की हिंदी होगी, हाई स्कूल लेवल की होगी, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा इसमें, ल्यूसेंट बुक सफिशेंट है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा दिया होता है, आप पेपर पैटर्न एनालाइज कर लेंगे तो उसी हिसाब से आप डिवाइड करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी हिंदी की, तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन अरेंज करिए, उसके बाद आप ल्यूसेंट की बुक लीजिए या एक इलाहाबाद पब्लिकेशन में आदित्य करके बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन करके इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, वो भी बुक अच्छी है हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी में क्या ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, जो पिछली बार ज़्यादा पूछा गया है पैटर्न, मुहावरे ज़्यादा पूछे गए हैं, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, वाक को जैसे गलत सेंटेंस दिया उसको करेक्ट करने के लिए ये भी पूछा गया है, और आपसे अव्यय वगैरह पूछे जाते हैं, अव्यय, ठीक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, समूहवाचक शब्द, ये सब क्वेश्चन बहुत बनते थे पहले, 100 क्वेश्चन आते थे तो मुहावरे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, वाक्य प्रयोग का क्वेश्चन आ जाता था, अविभाव समास का आ जाता था, तत्सम, तद्भव, द्वंद्व समास, कर्मधारक समास, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे पहले, प्रोनाउंसिएशन के भी आ जाते थे, संधि विच्छेद आ जाता था, ये सब हिंदी का था। तो हिंदी में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हिंदी में आप अपना प्रीवियस ईयर देख के माय डियर उसी के हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, ये बुक सफिशियंट है और प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से बात करिए। और GS की बात करते हैं माय डियर, GS उसके बाद मैं टेक्निकल बात करूँगा। GS में माय डियर देखिए, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करिएगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी यूपी की पॉलिसीज़ हैं, यूपी की पॉलिसीज़, ठीक, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो यूपी को इफेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली, उसके लिए आप यूपी की कोई भी सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन, सामान्य मतलब करंट अफेयर की क्वेश्चन आप ले सकते हैं बुक, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की यूपी का। उसके अलावा आपको बायोलॉजी पे भी ध्यान देना है, बायोलॉजी पे ध्यान देना है, लाइफ साइंस जिसको कहते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर वही रिपीट होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह, ज्योग्राफी के एक दो क्वेश्चन रहते हैं और मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 है, एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का है
पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं एक दो। उसके अलावा आप लाइफ साइंस ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहते हैं, स्पोर्ट्स यूपी में एंड अवार्ड से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और जो आपके लिए जो भी स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट की यूपी के बेनिफिट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यूपी को इफेक्ट कर रही हो, वो जीएस में आपका कवर होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, पॉलिटी तो माय डियर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, ज्योग्राफी भी रिपीट होता है, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सब, और साइंस वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा, ये आपके जो चेंज होते रहते हैं पैटर्न वो, ठीक है। तो आपको पढ़ना बहुत है माय डियर, जीएस में मार्क्स स्कोर करना अच्छी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि ये समुंदर है, उसमें से क्या पूछ दिया जाएगा, नो वन नोज, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट मैं आपको टेक्निकल की बात करता हूँ, टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में माय डियर आपके पेपर वन और पेपर टू दो पार्ट में बांटे गए हैं। तो पेपर वन आपको अलग से तैयारी करनी है, दोनों का पेपर अलग अलग आएगा। पेपर वन में आपको इसने बांटा हुआ है, पार्ट्स में बांटा हुआ है पेपर वन को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो आपका पार्ट ए में इसने बात की है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो यहाँ से देखिए माय डियर, पार्ट्स वन में जो है आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस इसमें पार्ट ए में अधिक है। पार्ट बी में भी क्या है आपका, पेपर वन में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर और स्टील डिज़ाइन, कंक्रीट, मैसोनरी एंड स्टील डिज़ाइन है। इसमें भी माय डियर थ्योरेटिकल भी बनेंगे, कोर्ट से बनेगा क्वेश्चन, साथ साथ न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। पार्ट सी जो है माय डियर, ये आपका थ्योरेटिकल हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, मटेरियल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग मतलब पर्थ एंड सीपीएम हो गया, पर्थ एंड सीपीएम, एंड आपका एक सब्जेक्ट और जो बताया मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। पार्ट डी जो है आपका जियो टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इससे तो आपके थ्योरेटिकल ज़्यादा बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो ये आपका पेपर वन है, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देगा, न्यूमेरिकल, और ये दोनों आपको थ्योरी ज़्यादा देंगे, थ्योरी। तो इसका मतलब आपके पेपर वन में न्यूमेरिकल होने के चांसेस अधिक हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे पेपर वन में जो होगा 60-65% थ्योरी होगी और आपका 35-40% जो होगा न्यूमेरिकल होगा। माय डियर आप तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए, इसके लिए माय डियर आपको मैं बता दूं, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लीजिए हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकली। ज़्यादा लंबे जो क्वेश्चन होंगे वो तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस माय डियर, सॉरी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपके हैं, छोटे जो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, उसके कंसेप्ट जो हैं वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। उसके बाद गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, जो ज़्यादा लेंथी जिसमें कई कंसेप्ट लगते हैं वो तो नहीं, लेकिन वन मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और जो डायरेक्ट आपके सिंगल स्टेप में वन वैल्यू पुट करने से आंसर आ जा रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गेट और ईएससी आप अच्छे से लगा लीजिए। अगर इसके बाद आपके पास समय बचेगा नहीं, बचता है अगर, तो आप एसएससी जेई प्रीवियस ईयर आपके कई पब्लिकेशन की बुक है, आप जिसका अच्छा लगे, आईएएस मास्टर की बुक अच्छी है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके सॉल्यूशन के साथ आप तैयारी कर लीजिए, आप इसमें टेक्निकल में आप स्कोर कर ले जाएंगे बहुत अच्छा। तो ये दोनों के लिए, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ करिए। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तब आप गुप्ता एंड गुप्ता के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कुछ लगा सकते हैं, तब आप इस पे जाइएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए सफिशियंट हैं, बहुत सफिशियंट है। माय डियर समय कम है, आप भी जानते हैं जून में पेपर होगा, इस बार डेट बढ़ेगी नहीं। पेपर टू की बात करते हैं, पेपर टू जो है आपका टेक्निकल, मैं माय डियर केवल सिविल की बात करूंगा कि मैं क्योंकि मैं खुद सिविल से ही हूँ। पेपर टू में इन्होंने पार्ट ए में आपको दिया हुआ है
मैकेनिक्स ओपन चैनल, फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल, मेरे वीडियो चैनल में फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं पूरे, ओपन चैनल, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, ये पार्ट ए है। इसमें देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो माय डियर आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं, मतलब न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल ज़्यादा बनते हैं। ओपन चैनल से दोनों बन सकते हैं, मशीन से माय डियर न्यूमेरिकल ही बनता है। ठीक है, पार्ट बी जो है आपका, पार्ट बी में माय डियर आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। माय डियर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाइएगा, बच्चे कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं क्योंकि आप 100% पेपर नहीं कर पाते हैं और पहले से छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। तो आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पार्ट सी में है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है और ट्रांसपोर्टेशन से जनरल क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका हाईवे इंजीनियरिंग भी आ जा रहा है, रेलवे इंजीनियरिंग भी है और आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। इसमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग भी है और आपका रेलवे इंजीनियरिंग भी है, रेलवे के साथ साथ माय डियर आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ऑल्सो। तो माय डियर बच्चे इसको तो छूते ही नहीं है, आप इसको कवर करके जाइएगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर तीन क्वेश्चन भी मिलते हैं तो 9 मार्क्स दिलवाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये माय डियर फाइनल सिलेक्शन में। पार्ट डी आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप जानते हैं मेनली आपका रॉ वाटर, सीवेज, वेस्ट वाटर, सीवेज और नॉर्मल आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वही है। सिलेबस आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल में, पॉल्यूशन भी है सॉलिड और पार्ट ई जो है माय डियर वो आपका सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। जियोलॉजी में आपका सिलेबस जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट सच एज डैम, ब्रिज एंड टनल्स। तो इसमें पहले में पार्ट डी तक था, इसमें पार्ट ई तक है माय डियर। मतलब 100 क्वेश्चंस अगर वो उठाएगा तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे उसने 5 पार्ट बना दिए तो कोशिश ये करेगा हर पार्ट से, जैसे लास्ट वाले पार्ट से वो कम क्वेश्चन उठाएगा अगर 15 उठाता है, और लगभग इससे 20, 25, 40, 50, 60, 70, 80 और 20 यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन उठाएगा। तो ये आप पार्ट वाइज कोई पार्ट छोड़िएगा नहीं, और ये मेरे हिसाब से है कि ऐसा होगा और ये मे बी वेरी भी कर सकता है माय डियर। आप ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, मतलब एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा एक गलत करने पे, या अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये नहीं होगा। और माय डियर मैं आपसे बुक्स की मैंने बात कर ही दी है, बुक्स के बारे में एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जनरल हिंदी के लिए ल्यूसेंट सफिशिएंट है, जीएस के लिए आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी और जो करंट है, करंट अफेयर की कोई भी आप बुक ले लीजिए, करंट अफेयर की मैगजीन आप मेडिजी की मैगजीन भी ले सकते हैं एनुअल वाली, उससे भी आपका हो जाएगा एनुअल करंट अफेयर जो आता है, या आप आईएएस मास्टर की बुक ले लीजिए वो भी आपको काम कर जाएगी, करंट अफेयर की जो बुक आती है। और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर ईएस मास्टर की बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और ईएससी की आप किसी भी अच्छी बुक से ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और भी माइडिया अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा माइडिया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में माय डियर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेरी को डाउट करने की कोशिश करूँगा। माय डियर आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, G2S Academy, काफ़ी टेक्निकल वीडियोस पड़े हुए हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है माय डियर तो आप मुझे वो टॉपिक बताइए, मैं उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आसान लैंग्वेज में आपको समझा के वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। माय डियर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।